खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। सात लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव, चौपारण में मचा हड़कंप। हजारीबाग चौपारण में सात लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से हड़कंप मच गया है। वहीं आनन फानन में चतरा मोड़ स्थित होटलों एवं सैलून को बंद करवाया गया। साथ ही होटल संचालक सहित होटल में काम करने वाले सभी कर्मी को स्वैब जांच के लिए 30 लोगों को हॉस्पिटल लाया गया, जहां सभी का थर्मल स्कैनिंग किया गया तथा स्वैब जांच कर सैंपल भेजा जा रहा है। इस संबंध में डॉक्टर धीरज कुमार ने बताया कि सभी का जांच रिपोर्ट आने तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे। सात लोगों में 6 लोग कर्मा स्थित वेलनेस एंड हेल्थ सेंटर में क्वारंटीन थे और 1 चौपारण के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में था। सभी देश के अन्य राज्यों से आए थे। चौपारण से मुकेश राणा की रिपोर्ट। प्रकरण में 7 पॉजिटिव आए हैं, जो एक ताजपुर का है, जो हम लोग हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किए हुए थे। यहाँ से आने के पहले वहाँ खा पी कर पान गुटखा सब रजनीगंधा तुलसी सब खाता था। पहला दूसरा खाना वाना खा के यहाँ पर आया था। दोनों सस्पेक्ट ही क्वारंटाइन हुआ था क्या? नहीं, क्वारंटाइन हुए 2-3 दिन हो गया था। तीसरा दिन हम लोग जांच करवाए थे। तो फिर हाँ, उसके बाद फिर जांच करवाई तो पॉजिटिव आया। जिस होटल में गया है वो, जिसके टच में रहा है वो लोग, फिर उसके टच में सभी दुकानदार और बच्चे लोग को सबको बुलाए, सबको स्वाब टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद 14-15 दिन के लिए क्वारंटाइन करवाएंगे। तो आज जो इन लोग को बुलाए हैं सर, कितने लोग? करीब करीब 30 आदमी लोग हैं। आज अभी लोग को रखिएगा होम क्वारंटीन? हाँ, होम क्वारंटीन करके रखेंगे। यहाँ पे हॉस्पिटल में क्वारंटीन कीजिएगा? अभी हॉस्पिटल में क्वारंटीन करेंगे, इसलिए कि आज स्वाब लेंगे, रिपोर्ट जब तक नहीं आती तो हॉस्पिटल में क्वारंटीन करेंगे, उसके बाद घर में क्वारंटीन करवाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद घर में क्वारंटीन करवाएंगे। सर कल कितने लोग पॉजिटिव आए थे? 7 पॉजिटिव आए हैं, 29 में 7 पॉजिटिव आए हैं। इन लोगों का नाम याद है?